हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप रेडमी नोट 5 प्रो में एंड्रॉयड ओरियो MIUI 9.5 को इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन अगर आपका जो बूटलोडर है वो अनलॉक्ड नहीं है तो। इसमें आपका कोई डेटा लॉस भी नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि मैं करंटली MIUI 9.2 पे हूँ, जो कि एंड्रॉयड नोगट पे बेस्ड है। एंड उसके बाद गाइज, आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी। आपको सर्च करना होगा डाउनलोड MIUI, एंड आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट को खोलना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दे दिया है इस वेबसाइट की। एंड अब आपको इस साइट को डेस्कटॉप पे रन करना होगा, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा एक्चुअली। एंड अब आपको यहाँ पे अपना फ़ोन सेलेक्ट करना होगा। आप Redmi Note 5 को सेलेक्ट करें, क्योंकि ग्लोबली जो Redmi Note 5 Pro है वो Redmi Note 5 के ही नाम से जाना जाता है। एंड फिर आपको यहाँ पे ऊपर तीन ऑप्शंस मिलेंगे। इंडिया वाले ऑप्शन पे मत जाना, क्योंकि इंडिया में जो Redmi Note 5 नॉर्मल फ़ोन है वो यहाँ पे होगा, जो एक्चुअली Redmi 5 Plus है बाहर के हिसाब से। तो इसलिए मैं Redmi Note 5 ग्लोबल पे ही जाऊँगा, एंड आपको भी उसी पे जाना है। एंड आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है। अगर आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट लिंक भी दे दी है इस वाले डाउनलोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने ऑलरेडी फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली है। मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको फाइल, ये रही फाइल। एंड अब आपको इसे फ्लैश करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है, एंड ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, एंड आपको चूज़ अपडेट पैकेज को सेलेक्ट करना है। एंड अब आपको यहाँ पे डाउनलोडेड फाइल को सेलेक्ट करना है। आप श्योर कर ले कि जो आपकी डाउनलोडेड फाइल है आपने उसकी एक बैकअप कॉपी भी बना ली है, क्योंकि जनरली एक बार अगर ये फाइल डिक्रिप्ट हो जाती है तो फिर ये फाइल बेकार हो जाती है, फिर ये फाइल दोबारा यूज़ नहीं हो पाती है। अब आप सेलेक्ट करें रीबूट एंड अपडेट, एंड अब आपका फ़ोन रीबूट होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास एक्चुअली अभी TWRP है, इसलिए जो रोम है वो TWRP के ज़रिए फ्लैश हो रही है। आपके में शायद स्टॉक रोम के ज़रिए फ्लैश होगी, टेंशन इस बात की बिल्कुल भी मत लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रोम अपने आप ही फ्लैश हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, एंड आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा जैसे ही रोम फ्लैश हो जाएगी, एंड कोई डेटा भी लॉस नहीं होगा। यहाँ जो मेरा डिवाइस है वो बूट हो गया है। थोड़े से आइकन्स इन्होंने बेकार कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं जो व्हाट्सएप का आइकन है बड़ा अजीब सा कर दिया इन्होंने इसमें, लेकिन वो तो चलो खैर कोई मेजर इशू नहीं है मेरे लिए। एंड अब मैं आपको ज़रा सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि जो मेरा MIUI एंड एंड्रॉयड वर्जन है वो क्या है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास MIUI 9.5 है एंड एंड्रॉयड 8.1 ओरियो है। एक मैं आपको फुल डिस्प्ले जेस्चर फीचर भी दिखा देता हूँ, जो कि इस रोम में काफ़ी फेमस है, जिसके लिए जो एक बिग मेजर चेंज है इस रोम का, जिससे कि आप फ़ोन में आईफोन 10 लाइक जेस्चर्स पा सकते हैं। ऑल्दो ये जेस्चर्स आईफोन जितने स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा लैगी होंगे। ये जो जेस्चर्स है वो बिल्कुल भी स्मूथ मेरे को नहीं लग रहे हैं, एंड काफ़ी जो कह सकते हैं लैगी टाइप से लग रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें रिमूव कर दूंगा एंड बटन से मैं प्रेफर करूंगा। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स वंस अगेन।